नमस्कार बच्चों, आज 31 जनवरी और देखते देखते 2020 का पहला महीना हमारा आज अंतिम दौर में चल रहा है। यहाँ 11वां अध्याय 11.3 में हम चल रहे थे, पेज नंबर 250 आप लोग निकाल लीजिए, 250। और इसके बच्चों सवाल नंबर 3 तक का सफर हम तय कर चुके थे। चौथा जो सवाल है, समलंब आकार का कोई खेत है जिसकी समांतर भुजाएं 42 मीटर और 30 मीटर दी हुई है। अंतिम क्षणों में हमने थोड़ा से मौखिक तौर पे आप लोगों को समझाया था, हो सकता है हमारे नन्हे मुन्ने इसमें थोड़ी सी दिक्कत इसमें आई हो, तो हम एक आसान मेथड बता रहे हैं इसके लिए। तथा अन्य भुजाएं 18 मीटर एवं 18 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज होता किस तरह से है वो देखिए। सवाल नंबर 4, इसमें भुजाओं का एक जोड़ा, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। यस, इधर इसको मिलाया, इधर इसको मिलाया, ये हमारे को दोनों बराबर दी हुई है 18 मीटर 18 मीटर। और जबकि समांतर भुजाएं जो हमारे को दी गई है वो एक 42 मीटर है और एक 30 मीटर है, ये 42 मीटर और ये 30 मीटर। अब इसमें बच्चों थोड़ा सा एक काम करना होगा आप लोगों को कि एक समांतर चतुर्भुज इसमें से देखना होगा आप लोगों को, है ना बच्चों, ये ध्यान रखना होगा। इस तरह से, तो ये डॉट डॉट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और साथ ही साथ इसमें एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से। ये 90 डिग्री बना रहा है, नाम हम इसमें कर देते हैं ए बी सी डी। समलंब चतुर्भुज हमारे को दिया गया था, जब सवाल में नाम नहीं हो तो आप स्वेच्छा से कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी। और ये बिंदु हमने लिया P, इधर ले लीजिए Q। तो जब हमने इसको समांतर बनाया है और ये इसके समांतर हमारे को दिया गया है तो ये एक समांतर चतुर्भुज हुआ, कौन सा, ए पी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसके समांतर चतुर्भुज होने से ये 18 मीटर है तो ये भी 18 मीटर आया, ये कौन, अरे पीसी ना, पीसी 18 मीटर, क्या बोला मैंने, हाँ 18 मीटर, तो ये 18 हुआ। अब बच्चों ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ पी बी सी, और समद्विबाहु त्रिभुज में ये विशेषता होती है कि यदि शीर्ष से आधार पे लंब ड्रॉ किया जाए, लंब डाला जाए, तो वो आधार को समद्विभाजित करता है। तो यहां पे जब ये 30 है तो ये एपी 30 हुआ और 42 में से 30 माइनस करने पे बचे 12 मीटर, उसको ये दोनों भाग बराबर बांट लेंगे, 6 मीटर इधर और 6 मीटर इधर। बच्चे चित्र दिख तो रहा है ना क्लियर, पुनः पुनः देखिए, ए से बी तक 42 मीटर था, इसमें से 30 इसके बराबर इधर हो गए, बचे 12 मीटर, उसको ये समद्विबाहु त्रिभुज 6-6 बराबर बांट लेगा। अब हम यहां पे हमारे को जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है सी क्यू बी, इसमें हम इसकी ऊंचाई याद कर लेंगे, यानी कि सी क्यू याद कर लेंगे, और फिर हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें वर्गमूल चूंकि पूरा पूरा नहीं आ रहा तो हम रूट में भी छोड़ सकते हैं उसको, देखिए कैसे। समकोण त्रिभुज सी क्यू बी में, सी क्यू बी में कर्ण यहां पे बीसी है, बीसी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर बी क्यू स्क्वायर,
प्लस सी क्यू स्क्वायर, तो बीसी का मान हमारे को 18 दिया हुआ है, 18 का स्क्वायर बराबर बी क्यू 6 का स्क्वायर, सी क्यू ज्ञात करना है। अब 18 का स्क्वायर बच्चों आपको कह रखा है मैंने 25 तक स्क्वायर याद रखिए, गुणा करने की जरूरत नहीं होती, अगर याद हो तो 324 इधर आया और लगे आ तो हम 6 का स्क्वायर 36 इधर से माइनस कर देते हैं, ये सब कुछ आया सी क्यू स्क्वायर। तो सी क्यू बराबर ये जो माइनस होके आया 288, 24 और 12 और माइनस हो गए 288 का जो वर्गमूल है वो 144 का डबल है ना बच्चों, इसलिए 12 अंडर रूट 2 बोल देंगे हम मीटर। इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 12 बाहर आ जाएगा पेयर बना के और अंडर रूट 2 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, ऊंचाई आ चुकी, इसका मतलब ऊंचाई आ गई। अब हमारे को समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और आप लोग सभी जानते हैं 1/2 गुणा। बच्चों कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर को लग रहा है कि हमें यह सूत्र याद है, लेकिन वाकई हमें याद नहीं है। बच्चों जब आपका मन कह रहा है कि आपको यह सूत्र याद नहीं है तो याद कीजिए, क्योंकि जब आपका मन ही यह कह रहा है तो अंक कहां से आएंगे बच्चों। इधर ध्यान दो आप लोग, तो यहां पे 42 प्लस 30 गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई जो हमने ज्ञात की 12 अंडर रूट 2 ये हमारे को मिल गई, 12 अंडर रूट 2 यस 1/2 गुणा इनका जो जोड़ आया वो आया 72 और गुणा 12 अंडर रूट 2, तो 2 से ये कट गया 6 बार। अब ये अंडर रूट 2 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, 6 को इससे गुणा किया 6 दुनी 12 है, असल की 6 7 42 143 2 4 3 2 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया वर्गमूल के पदों में। और अगर आप अंडर रूट 2 का मान लगा दे 1.414 इस तरह से और थोड़े से और आगे के अंकों में चले जाए तो इसका जो आंसर शीट में उत्तर है 610.9 वो भी आपको मिल जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, तो उतार लीजिए, ये था 11.3 का सवाल नंबर 4। यस बच्चों ये था आज का पहला सवाल, लेकिन 11.3 का चौथा सवाल। ठीक है, इसमें दो समांतर भुजाएं हमारे को दी गई थी और जो समांतर नहीं थी वो 18 मीटर दी गई थी, तो हमने एक समांतर चतुर्भुज इसमें से निकाल लिया। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में होता क्या है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज उसी ऊंचाई का जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें जब ये सम द्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी विशेषता का इस्तेमाल हमने कर लिया इस सवाल को आसान बनाने के लिए। समकोण त्रिभुज सी क्यू बी में ये आपको समकोण नजर आ रहा है, तो बोधायन प्रमेय यहां लग गई, हमने लिखा नहीं आप लिख सकते हैं बोधायन प्रमेय से, बी सी स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मान लगाया आप लोगों की नजरों के सामने, सी क्यू हमें ज्ञात करनी थी, 288 का वर्गमूल, 12 अंडर रूट 2। ठीक है, ये मीटर में आया। अब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने गए, सूत्र आप लोगों को सभी को हमें लग रहा है याद है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है, वो हमने इसमें मान लगाया, 2 से दोनों कटने के लिए तैयार था,
चाहे तो इसको 36 बार कट कर लेते, चाहे इसको 6 बार, हमने इसको कट करना उचित समझा और 432 रूट 2 हमारे को इसका उत्तर मिला। लेकिन चूंकि आपके बुक में आंसर शीट के अंदर डेसिमल में, इसलिए हमने अंडर रूट 2 का जो मान है कितना 1.414 वो हमने मान लगाया, लगभग में ये मान हमारे को प्राप्त हुआ। आइए सवाल नंबर 5 हम ले, 11.3 का पेज नंबर वही 250। यह सवाल नंबर 5 इस प्रकार है, एक समलंब चतुर्भुज, इसमें भी एक समलंब चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल हमारे को दिया है 350 वर्ग मीटर हो एवं उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 26 सेमी और 44 सेमी है। मैं नहीं कह रहा, सवाल में दिया है। तो समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो, है ना। अब की बार उसकी हाइट हमें ज्ञात करनी है, कैसे करेंगे समझिए, ध्यान से बच्चों, ये सवाल मुश्किल नहीं है, एक बार समझने के बाद में पकड़ आप लोग खुद मजबूत बना के चलिए, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 5, समलंब चतुर्भुज का अगर आधार आप बड़ा बनाएंगे ना बच्चों, तो वो अच्छी तरह से टिका हुआ लगता है। जब दो अलग अलग लंबाई की आपको दी गई है तो आप उसमें से बड़ी को नीचे बना लीजिए, अच्छा लगता है वो समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। ये समांतर भुजाएं हैं। अब आप लोगों को दिया क्या क्या गया है, क्षेत्रफल इसका दिया है, समांतर भुजाओं की लंबाई 26 सेमी और 44 सेमी, तो 44 सेंटीमीटर और यहां पे 26 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारे को ज्ञात करनी है, इसकी हाइट हमें ज्ञात करनी है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 350 वर्ग सेमी दिया गया है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिख तो रहा है, बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग 44 प्लस 26 1/2 गुणा 44 गुणा 26 और गुणा मध्य की ऊंचाई हाइट। तो ऊंचाई की जगह पे हमने फिलहाल ऊंचाई ही लिख दिया, बराबर इस बार हमारे को मान दिया गया है वो आप यहां पे भी लिख सकते हो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस 350 इधर सामने कर दीजिए, इधर 1/2 गुणा इनका योग 70 आ गया और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई को थोड़ी देर के लिए एच या एक्स भी मान सकते हैं आप लोग, बराबर 350। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हुई 350 गुणा 2/70, 350 गुणा 2/70, 0 से 0 कट गया, 7 से कट गया 5 बार, बस 5 दुनी 10 और सभी सेंटीमीटर में चल रहा है ना, तो सीएम 10 सेंटीमीटर। आइए आंसर शीट से मिलाएं, ऊंचाई का मामला है, यस 10 सेमी आंसर शीट में है बच्चों, निश्चिंत रहिए, कभी कोई दिक्कत होगी तो हम सुधरवा देंगे, चिंता मत करो, पर मेहनत करते रहो। ये ऊंचाई है इस समलंब चतुर्भुज की, ऊंचाई मतलब इन दोनों समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, समांतर भुजाओं के मध्य दूरी सदैव समान रहती है, वो 10 सेमी हमारे को मिली। और क्रॉस टैली आप ये भी कर सकते हो कि अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करें, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग वो 70 है गुणा ऊंचाई 10, ये कट गया, किसी को भी काट लो, 70 को काट लो 2 से 35 बार और 35 को 10 से गुणा करा तो आएगा तो 350 ही। तो ऐसे क्रॉस टैली भी कर सकते हो। ये था सवाल नंबर 5, उतार लीजिए जल्दी से।
यस बच्चों, सवाल नंबर 6 बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, केवल उसमें ये समांतर भुजाओं की लंबाई अलग दे दी पिछले सवाल से। एक मेज समलंब चतुर्भुजाकार है, मेज की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 16 मीटर दी हुई है, इसको हम 8 मीटर मान रहे हैं और इसको 16 मीटर मान रहे हैं। सवाल नंबर 6 में मेज का क्षेत्रफल आप लोगों को 108 वर्ग मीटर दिया हुआ है, मेज की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, और हमारे को जो क्षेत्रफल दिया है वो 108 दिया है। यस, आपके बार मीटर स्क्वायर में है, समझिए 108 मीटर स्क्वायर, तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जो योग है 8 प्लस 16, 16 प्लस 8 भी लिख सकते हैं, बराबर 108। बस तो बच्चों जैसे ये एक जैसे दो सवाल है ना, ऐसे जब तक 2-4 सवाल एक जैसे नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आज ही हम अगली एक्सरसाइज भी आप लोगों को लिए चलेंगे, 108 मल्टीप्लाई बाई 2 वज्र गुणन, और इधर दोनों जोड़ के 24 आ गया, बटे में 16 और 8 24 क्रॉस मल्टीप्लाई में बटे में, दोनों ने कट कर दिया इसको, 12 है, 12 से 12 का पहाड़ा तो आता है ना बच्चों, 9 बार कटा बस, तो 9 मीटर उत्तर। पर आंसर शीट में संभवतः आप लोगों की बुक में भी सेंटीमीटर लिखा होगा, उसको मीटर कर लेना, क्योंकि हम सवाल को सही मान रहे हैं, 9 मीटर। यस, वहां सेमी छपा हुआ है हमारे पास जो किताब है, आप भी उसको मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। ये था हमारा सवाल नंबर 6, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे को दिया गया था। उतारिए जल्दी से, यस बच्चों। और ये सवाल की जो एंडिंग है ना बच्चों, अंत में जो सवाल में पूछा गया है वो लिख के आओ शब्दों में, क्या पूछा है, मेज की चौड़ाई यानी समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, तो हम लिख देंगे अतः, अतः खुशी वाला अतः कि अतः मेज की चौड़ाई, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो ये अतः मेज की चौड़ाई, ब्रैकेट में समांतर भुजाओं के मध्य दूरी, बराबर 9 मीटर उत्तर। तो हमें पता चल जाता है कि यहां सवाल खत्म हो गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये था 11.3 का अंतिम सवाल, छठा सवाल। तो हमने सभी सवाल आप लोगों को समझा है और संभवतः आप लोगों को समझ आ रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अगली एक्सरसाइज लेते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में।
एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में लेके हाजिर हैं बच्चों 11.3 के आगे 11.4 के लिए पहले हम सूत्र की शुरुआत आप लोगों को कर देते हैं। आयत, वर्ग और चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखो आयत और वर्ग, इससे आप लोग परिचित होंगे अच्छी तरह से। आयत में सभी कोण, चारों कोण समकोण होते हैं और प्रत्येक कोण तो हो गया, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। एक बार हम बता देते हैं, देखो जियोजेब्रा पे हम कुछ भी बना सकते हैं, समझिएगा जरा स्क्रीन पे। यस, ध्यान दीजिए, यहां पे हम एक वर्ग आप लोगों को बना के बता रहे हैं। ये 5x5 का हम वर्ग बना रहे हैं बच्चों। ये भुजा 5 सेमी और इसकी ऊंचाई भी हमने ली 5 सेमी, ठीक है। तो रही बात इसके परिमाप की, परिमाप का सूत्र तो अभी बताएंगे, वास्तव में आप लोगों का इसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए। परिमाप का मतलब ये जो आपको लाइन दिख रही है ना बच्चों, 1, 2, 3 और 4, इन चारों की जो लंबाई है उसका योग परिमाप कहलाता है। और ये जो आपको जगह दिख रही है कलर्ड, ये क्षेत्रफल कहलाता है। यहां पे ये अलग अलग वर्ग भी आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऐसे और 5 ऐसे, तो 5 × 5, 5×5 यानी 25 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल हुआ। हम चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं बच्चों, ये क्षेत्रफल तुरंत में ही बता देता है। यस, एरिया, ये हमने क्लिक किया और ये एरिया इसका पूछा, यहां पे लिखा हुआ है 25। आप लोगों को पता नहीं दूर से बैठे हुए बच्चों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वो भी हम दिखा सकते हैं। यस, ये देखिए 25 नजर आ रहा होगा, 25 इसका क्षेत्रफल, 5×5 से हमारे को मिला। यस, ये तो थी बात वर्ग की, किसकी बच्चों, वर्ग की। अब हम बात करते हैं आयत की। आयत में अगर हम इधर बना लें आयत, मान लीजिए इस जगह पे हम आयत बनाना चाह रहे हैं, वापस से हमने सेलेक्ट किया, यहां से इस जगह से ले रहे हैं हम, और इस बार 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेमी लंबाई ले ली हमने। कहां से कहां तक है, 6 से 12 तक, और इसकी ऊंचाई हमने अब की बार इतनी ली जिससे आप लोगों को ये आयत ही लगे, ठीक है। कितनी है, 1, 2 और 3, और यहां ले जाके समकोण पे हमने इसको छोड़ दिया, ये बन गया आयत। क्या बना बच्चों, आयत। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें भी लंबाई गुणा चौड़ाई लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि दोनों ही समान है इसलिए भुजा स्क्वायर बोल दिया जाता है, ठीक है, साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पे अगर हम इसको देखें, लंबाई अभी अभी आप लोगों के नजरों के सामने 6 सेमी ली थी, चौड़ाई 3 ली थी, तो 6 × 3 = 18 वर्ग आप लोगों को दिख रहे होंगे ना बच्चों। यहां 25 दिख रहा है और यहां 18, 6 × 18। आइए चेक करें हम सही सोच रहे हैं क्या। हाँ बिल्कुल 18 लिखा हुआ आ गया बच्चों, हम बता रहे हैं आप लोगों को, हो सकता है दूर बैठे हुए बच्चों को ये 18 नहीं दिख रहा हो, वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। जहां तक परिमाप की बात है, इसमें चारों भुजाओं का योग करेंगे, चारों भुजाओं को जो जोड़ेंगे वही परिमाप कहलाता है। तो चूंकि लंबाई 2 बार जुड़ी, चौड़ाई 2 बार जुड़ेगी, इसलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और जिस कमरे में आप बैठे हैं अगर वो घनाभ नुमा कमरा है तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, उसका सूत्र भी हम आपको बता रहे हैं। अब हम आप लोगों को अपने बोर्ड पे ले आते हैं। यस बच्चों, देखिएगा जरा, ध्यान दीजिए, यस, तो आप नोट कर लीजिए, वर्ग, वर्ग के जो 2 सूत्र हुए स्क्वायर के,
एक तो परिमाप और एक क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है इसलिए चार गुणा भुजा। जहां तक वर्ग के क्षेत्रफल की बात है, भुजा गुणा भुजा अर्थात भुजा स्क्वायर। अब हम आयत के बारे में बात करते हैं। बच्चों, नाइन्थ के बच्चे हो आप लोग, ये तो आपको मालूम ही है वर्ग कैसी आकृति होती है, आयत कैसी होती है, इसलिए उसको हम बना नहीं रहे। आइए आयत का परिमाप देखें। आयत का परिमाप दो एल प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई, चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हो लंबाई प्लस चौड़ाई। बाहर दो क्यों आया, क्योंकि दो बार लंबाई जुड़ी, दो बार चौड़ाई जुड़ी। जहां तक क्षेत्रफल की बात है, एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एल मल्टीप्लाइड बाय बी। अब हम आते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एक्चुअल में चारों दीवारों में बच्चों ऊंचाई तो होती ही है, एक बार लंबाई गुणा ऊंचाई आमने सामने, और लंबाई के अलावा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बाकी दो में हो गई, इसलिए वहां पे 2 × h हम कॉमन ले सकते हैं। h मतलब ऊंचाई, और ब्रैकेट में आ जाएगा l प्लस बी। कभी कभी ये h लास्ट में भी दे देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि हमारे बुक में तो इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है ना बच्चों, उतारिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दो लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई लास्ट में दिया हुआ है, हमने पहले लिख दिया, बात एक ही है। ये सभी क्षेत्रफल जो होते हैं ना बच्चों, क्षेत्रफल उनकी इकाई वर्ग सेमी या वर्ग मीटर लिखने में आती है। क्यों? क्योंकि इसमें दो बार गुणा हो रहा है लंबाई का, है ना, ये ध्यान रखना। तो मीटर मीटर दो बार गुणा हो तो मीटर स्क्वायर, यहां पे भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जहां तक परिमाप का मामला है, परिमाप का मामला है, उसमें स्क्वायर नहीं लगता इकाई में, केवल सेंटीमीटर या मीटर ही लगता है, ये ध्यान रखिए। और एक बात और समझाते हैं इसके सूत्र में, अथवा अगर मैं इस दो को हटाऊं और लंबाई प्लस चौड़ाई एल प्लस बी, ये अगर ये और ये देखें तो केवल h अकेला रह गया, ये दोनों आ गए, इसको हम परिमाप गुणा ऊंचाई भी लिख सकते हैं। परिमाप गुणा ऊंचाई उतार लीजिए। परिमाप गुणा ऊंचाई, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। यस, अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज में लिए चलते हैं। 11.4 के तुरंत बाद में महत्वपूर्ण बिंदु में सभी सूत्र आप लोगों को मिल जाएंगे, फिर विविध है। तो हम 11.4 के शुरुआती सवाल आज ही ले रहे हैं, पेज नंबर 255, जहां जो सूत्र हमारे को जरूरत होगा हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। याद रखना, वर्ग का परिमाप वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप आयत का क्षेत्रफल, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यस, समझी। पहला सवाल, तो सवाल नंबर एक में आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है, हमारे को लंबाई और चौड़ाई दी गई है। सवाल नंबर एक में आयत, उसका हमारे को क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको लंबाई दी गई है 9.5 मीटर और चौड़ाई दी गई है 7.5 मीटर। क्षेत्रफल और परिमाप,
तो क्षेत्रफल चाहे तो आप लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, सूत्र भी लिखा जा सकता है, लंबाई गुणा चौड़ाई एल इन टू बी। अब हमने यहां पे 9.5 लंबाई, चौड़ाई 7.5, यस, इसको गुणा करने पे हमारे को जो मिल रहा है 95 × 75, बहत्तर पच्चीस, 85 का स्क्वायर होता है 72.25। इसमें से अगर हमने 100 घटा दिए तो वो आया 71.25। संभवतः ये इसका उत्तर होना चाहिए, दशमलव अपनी जगह पे लग जाएगा, आइएगा आंसर शीट से चेक करें, यस 71.25 आ रहा है। इसमें हमने क्या किया पता है बच्चों, ये 8.5 से 1 प्लस है और ये 8.5 माइनस 1 है, बस उसका इस्तेमाल हमने कर लिया तो आसानी से गुणा हो गया। ये मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। अब आया आयत का परिमाप, आयत का परिमाप सूत्र होता है 2l + b, या 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि ऊपर हमने लंबाई प्लस चौड़ाई की भाषा का इस्तेमाल किया, लंबाई गुणा चौड़ाई, यहां पे भी वही लिख रहे हैं हम, तो 2 और यहां 9.5 प्लस 7.5, 2 ब्रैकेट के बाहर, और इधर 10 और 7 17 है, 17 गुणा हुआ है 2 से, 34 यूनिट लगेगा मीटर, यहां वर्ग मीटर और इधर केवल मीटर। उतारिए जल्दी से, दो पार्ट हमें याद करने थे, हो गए। यस बच्चों, बाकी का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है। आइए एक ही तरह के कुछ सवाल और हम करें तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फर्क इतना है कि अब की बार हमारे को जो नाप दिए हैं वो बिना पॉइंट वाले हैं, 125 मीटर और 75 मीटर। ज्ञात आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले इनको गुणा करना है। इसमें भी ध्यान रखिए बच्चों, ये 100 से 25 ज्यादा है, 100 से 25 कम है, 100 के स्क्वायर में से अगर 25 का स्क्वायर माइनस कर दोगे तो भी गुणनफल आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 75, तो इनका आया 9375, 10,000 में से 625 हमने घटा दिए। वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। जहां तक परिमाप की बात है, सूत्र आप लोगों की नजरों के सामने है, दो लंबाई की जगह 125 और चौड़ाई की जगह 75, बराबर में 2 और ब्रैकेट में हो गया 200, आसान हो गया ये गुणा, 400 मीटर। और बच्चों सुनो, इससे मिलता जुलता ही सवाल नंबर 3 है, केवल उसमें दशमलव लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, तो कैलकुलेशन तो यही रहेगी, आसपास इन्हीं अंकों का इस्तेमाल उसमें होगा। समझा रहे हैं, जल्दी से उतारिए, ये दो पार्ट 9375 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात हुआ, और जहां तक परिमाप की बात है 400 मीटर, आंसर शीट में यही है, उतार लीजिए जल्दी से।
यस बच्चों, सवाल नंबर तीन, कहीं कोई गणना में बदलाव नहीं है, केवल फर्क दूसरे की जगह तीसरा आ गया और दशमलव उसमें आ गया, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया, 125 की जगह 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तीसरा पार्ट, चौड़ाई की जहां तक बात है 7.5 सेंटीमीटर। तो दशमलव बच्चों, इस बार हम डेसिमल का इस्तेमाल कर रहे हैं, 12.5 और इधर 7.5, जब इनमें गुणा होता है ना बच्चों, तो पीछे से दो अंकों के बाद में यहां पॉइंट लगेगा, बस गुणा तो वही आएगा उत्तर। ऐसे ही जहां तक परिमाप की बात है, सूत्र यही है, सब कुछ यही है, केवल दशमलव का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। पीछे वाले बच्चों को इसको क्लियर दिखाने के लिए हम थोड़ा सा इसको 7.5 क्लियर दिखा देते हैं और ब्रैकेट में हुआ वो 20, तो केवल जीरो गायब हो गया और जहां तक यूनिट की बात है, यूनिट सेंटीमीटर हो गया, 40 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर स्क्वायर को हमारे को सेंटीमीटर स्क्वायर बदलना पड़ेगा। उतारिए, तो ये था हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सेकंड और थर्ड कैलकुलेशन की दृष्टि से एक जैसे थे, केवल दशमलव का इस्तेमाल हमारे को अगले सवाल में करना पड़ा। जल्दी से उतार लीजिए बच्चों। तो संभवतः यहां तक आप लोगों ने समझ भी लिया होगा, उतार भी लिया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।